सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम पाठ 13 शेयर करेंगे। आप मेरे साथ साथ इस पाठ का अध्ययन करें। चलिए, रविवार का दिन था। रविवार यानी कि संडे, यानी संडे का दिन था। सबका अवकाश, अवकाश यानी कि जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, यानी सबका अवकाश था। यानी कि घर में सब बहन भाइयों का, पापा मम्मी, यानी कि सबकी छुट्टी थी। आसमान साफ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बड़ा सुहावना था, बिल्कुल वैसे जैसा एक पिकनिक के लिए होना चाहिए। चुन्नू सोचने लगा, काश आज हम कहीं घूमने जा सकते। चुन्नू रसोई में गया। माँ उस समय क्या कर रही थी? बर्तन धो रही थी। माँ, क्या आज हम कहीं घूमने चल सकते हैं? चुन्नू ने पूछा। माँ ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य चलेंगे। गांधी पार्क का कार्यक्रम अच्छा रहेगा। यानी कि चुन्नू ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं? तो उसकी मम्मी ने कहा, हाँ क्यों नहीं चल सकते, हम लोग कहाँ चलते हैं, गांधी पार्क घूमने चलते हैं। यह पार्क तो हमने पहले कभी नहीं देखा, चुन्नू ने पूछा। हाँ, इसीलिए तो, माँ ने उत्तर दिया। यानी चुन्नू ने कहा कि हमने ये पार्क पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए यहाँ जाना ठीक होगा। मुन्नी ने पूछा, क्या गांधी पार्क बहुत दूर है? हाँ, हमें कार से लंबी यात्रा करनी होगी। पिताजी ने बताया, प्रातः के एक काम निपटा कर सब लोग तैयार हुए। माँ ने खाने पीने की कुछ वस्तुएं साथ में ली और कार में बैठकर निकल पड़े। रास्ता सुहावना था, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, सड़क पर यातायात बहुत कम था। पिताजी कार चला रहे थे। हमें कार में गाने सुनते हुए तथा बाहरी दृश्य देखते हुए पता ही नहीं चला रास्ता कब पार हो गया। पिताजी ने कार रोकी। माँ ने कहा, सामान बाहर निकालो, अब हम उतरेंगे। गांधी पार्क में चारों ओर हरियाली थी, बहुत पेड़ थे। मुन्नी ने नहर के पुल के ऊपर चढ़कर देखा, बड़ा सा बाग था। थोड़े आगे चलकर मुन्नी ने देखा गांधी जी की एक मूर्ति भी थी। यानी वो गांधी पार्क में गए थे तो उन्होंने शुरू में वहाँ क्या देखा, वहाँ एक गांधी की मूर्ति भी थी और चारों तरफ हरियाली थी और क्या था, बड़ा सा एक बाग। मुन्नी ने देखा पार्क में थोड़ी दूर पर झूले लगे थे। चुन्नू एक फिसल पट्टी के ऊपर से मुन्नी को पुकार रहा था, मुन्नी मुन्नी यहाँ आकर देखो, कितना मज़ा आ रहा है। यानी कि अब वो दोनों पार्क में जाकर झूला झूलने लगे थे और उन दोनों ने वहाँ पर खूब मज़ा किया। जैसे हम किसी पार्क में जाते हैं, झूला झूलते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है ना, वैसे ही वो दोनों चुन्नू और मुन्नी दोनों पार्क में जाके खूब खेले। मुन्नी आराम करना भूलकर झूलों के पास चली गई। यानी कि वो वहाँ जाके इतने मस्त हो गए कि मुन्नी वहाँ जाके आराम करना भी भूल गई। वे दोनों अलग अलग तरह के झूलों पर झूलने लगे। चुन्नू, मुन्नी बहुत देर हो गई है, क्या घर नहीं चलना? उनकी माँ उनसे बोली कि बेटा बहुत देर हो गई है, क्या आप घर नहीं चलना? माँ और पिताजी बच्चों से पूछ रहे थे। दोनों बच्चे भागकर पास आ गए। पार्क कैसा लगा बच्चों? माँ ने पूछा। यानी कि अब माँ ने बच्चों से पूछा कि आप लोग पार्क में आए हो तो आप लोगों को पार्क कैसा लगा? बहुत अच्छा, चुन्नू और मुन्नी ने कहा। यानी कि उनको पार्क बहुत पसंद आया। वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, प्रसन्न यानी कि बहुत खुश नज़र आ रहे थे। चलो अब वापस चलें, फिर किसी दिन दोबारा आएंगे, पिताजी ने कहा। यानी कि अब बच्चों से उन्होंने कहा, चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, फिर कभी हम दोबारा घूमने के लिए आएंगे। सफ़र मज़ेदार था, दिन सफल हो गया, बच्चों ने सोचा। सब लोग कार में बैठ गए। पिताजी ने कार मोड़ी और घर की ओर ले ली। मौसम अभी भी सुहावना था। मुन्नी ने सबको मीठी चॉकलेट बांटी। यानी कि जब वो कार में बैठ गए तो मुन्नी ने खाने के लिए सबको क्या दी? मीठी चॉकलेट। शहर की सफलता के बाद सब घर लौट आए। मेरे प्यारे बच्चों, हम भी अपने माता पिताजी के साथ कहीं घूमने जाते हैं और आप लोग सब गए भी होंगे। तो आप लोग जब घूमने जाते हो तो आपने वहाँ जाकर क्या-क्या देखा, उन सबको अपने कॉपी में लिखना है और इस पाठ को
स्वयं पढ़ना है। धन्यवाद।